योर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट यू फोकस ऑन, एंड इसीलिए आज की डेट में आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ने कंट्रोल कर रखा है। क्यों? क्योंकि अपना फोकस तो सारा का सारा वहां पे है, राइट? हाय एवरीवन, माय नेम इज हार्दिक मनचंदा, एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 5 टिप्स, ऐसे 5 तरीके जिससे आप थोड़ा फोकस्ड हो सकते हैं आज के डेट में जहां पे अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। अगर हम पढ़ने के लिए बैठते हैं, 5 मिनट पढ़े नहीं और अगले ही वक्त आपका हाथ कहाँ जाता है? फोन पे, इंस्टाग्राम पे स्क्रोलिंग, गेमिंग, कुछ भी, दिमाग कहीं और ही होता है। सर, पूरा दिन बुक्स हमारी आंखों के सामने होती है लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा होता, एंड द मेन रीजन इज दुनिया भर में डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। मैं आपको सच बात बताऊं, मेरे स्टूडेंट्स मुझे आज ये कहते हैं कि सर, आपके टाइम पे तो पढ़ना बहुत आसान था, आपको क्या पता आज की डेट में कितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोकस करना कितना मुश्किल है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे इतने सारे डिस्ट्रैक्शन से हटके हम फोकस कर सकते हैं उन चीज़ों पे जो एक्चुअली में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वैल्यूएबल है। तो पहली टिप विच इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि ये सबको अप्लाई करनी चाहिए, इज फाइंड आउट योर व्हाई। Why का मतलब क्या है कि लेट्स से आप पढ़ने बैठे हो, तो भाई पढ़ने बैठे हो ना, पहले सोचो कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, इसका पर्पस क्या है, Why? ठीक है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, मम्मी ने बोला, मम्मी ने डांटा, पेरेंट्स ने बोला, नहीं, राइट, टीचर ने बोल दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको हमेशा पहले ये सोचना होगा कि भाई मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं चाहता क्या हूँ, पढ़ के हो क्या जाएगा। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, अगर अभी तक आपने ये नहीं सोचा है, तो पहले सोचो, अपना वाई फाइंड आउट करो कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ मैं वो क्यों कर रहा हूँ। लेट्स से अगर आप पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, मे बी आपको सीए करनी है, मे बी आपको आगे जाके बहुत पैसा कमाना है, कहीं भी कुछ भी करना है, कुछ तो आपका एंड गोल होगा ना कि भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ क्यों, पढ़ाई एक तरीका है इसको पाने का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, तो भाई मैं अपनी स्टडीज फोकस तरीके से, मतलब सिंसियरली शुरू की थी क्लास 8 से। 7th तक मैंने एक वीडियो में बोला, 7th तक मेरे 70% मार्क्स के अराउंड आते थे, और 8th में टर्न अराउंड हुआ एंड आई गॉट मोर देन 90%। क्यों? 8th में मुझे अपना वाई पता चल गया था। उस टाइम पे मेरे फैमिली की सिचुएशंस, फाइनेंशियल सिचुएशंस कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, तो मुझे पता चल गया था कि भाई मुझे पढ़ना होगा, क्यों? क्योंकि पैसा कमाना है भाई, राइट, आगे जाके अच्छी जॉब चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन आपका एंड गोल आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। अगर आपका वाई आपको नहीं पता चल रहा, लेट से आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, आपको सिंगिंग करनी है, डांसिंग करनी है, कुछ भी करना है दोस्त, राइट, तो अपना फोकस फिर वहाँ लगाओ, अपना फोकस सारा का सारा वहाँ लगाओ। अगर आप पढ़ रहे हो और आपको अपना पर्पस नहीं पता है, कोई मतलब कुछ पता ही नहीं है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। यार सिंपल सी बात है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब क्यों चलाते हो? क्योंकि उसमें मज़ा आता है ना। अरे सर स्क्रोल किए जाओ, रील्स देखे जाओ, नहीं, राइट, मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा नहीं आता, किसी को नहीं आता, हार्डली कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर मेरे को पढ़ने में ना क्या मज़ा आता है, सुकून मिलता है, नहीं ना, नहीं आता। मैं बोलूँगा शायद मुझे भी बहुत मज़ा तो नहीं आता था जब मैं सीए की स्टडीज़ कर रहा था, नहीं भाई, पढ़ना स्टडीज़ एक तरीका है, मीन्स है, राइट, एक मीन्स है, क्यों? अपना गोल रीच करने के लिए, अपना गोल पाने के लिए, ठीक है, उसको ऐसे ही हमें देखना है कि भाई मुझे पढ़ना है क्यों, क्योंकि मुझे ये अचीव करना है। किसी को अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशंस इंप्रूव करनी होगी, किसी को मे बी सीए बनना होगा, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी करना है, अपनी ड्रीम जॉब चाहिए, ड्रीम कंपनी में काम करना है, कुछ भी करना हो, आपको नॉलेज चाहिए, कुछ भी, बट फाइंड आउट योर व्हाई, ठीक है। एक बार आपको वाई पता चल गया कि भाई अगर मैं पढ़ने बैठा हूँ तो मैं क्यों पढ़ने बैठा हूँ, आपको किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, किसी की भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखनी होगी कि भाई डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहे। आप खुद सोचो ना, अगर आप पढ़ने बैठे हो तो आपको पता है, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि मुझे पढ़ना है इसलिए मेरा ये पर्पस है। जब आपके सामने एक डायरेक्शन होती है कि भाई देखो ये आपकी रोड है, आपको इस पे चलना है, आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, तो आप फोकस्ड ही रहोगे, दाएं बाएं नहीं देखोगे, आपको पता है कि सीधा चलता जाऊंगा, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा, बस वही करना, राइट। तो फर्स्ट टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है इज टू फाइंड आउट योर व्हाई। नाउ द सेकंड वन जो सबसे मुश्किल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे मुश्किल है, सर क्या, अरे मेरा फोन कहाँ है, यस मेरा फोन, राइट सर, समझ गए ना, राइट। तो सेकंड टिप इज कि भाई जब भी आप पढ़ रहे हो इसको फेंक दो,
सर फैक्ट दें, हाँ बेटा राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ या मैं अपनी वीडियो का कुछ भी स्क्रिप्ट सोच रहा था, मैं ढूंढ रहा था कि भाई कौन कौन से ऐसे तरीके हैं आज की डेट में जो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं राइट, तो भाई मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, फ़ोन दूसरे रूम में चार्जिंग पे था। अभी भी जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो मेरा फ़ोन टेबल पे पड़ा हुआ था, वो भी उल्टा। सर क्यों? सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में फ़ोन। अरे आप खुद सोचो, आपके पूरा दिन बुक सामने होती है, लेकिन अगर फ़ोन आपके साथ है, 10 मिनट पढ़ाई करी, अरे सर इंस्टाग्राम, ओहो क्या मस्त फोटो डाली है, हाँ या ना, होता या नहीं होता, यूट्यूब चलाया, अरे ये नई वीडियो आई है, अरे यूट्यूब पे तो भरमार है वीडियोस का भाई, जिन चैनल्स को आप देखते रहते हो वही वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी, गेम खेलते हो तो गेम, कुछ भी, शॉपिंग करना पसंद है तो अमेज़ॉन चला दिया। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ये है सर, हम इसको एकदम से नहीं छोड़ सकते, हम इनसे दूर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते तो सुनो मेरी बात, जब भी आप पढ़ने बैठे हो बस आपको क्या करना है, उस टाइम फोन आपकी आंखों के सामने नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि टेबल पे रख दिया, बेटा अगर आपका फोन आपके हाथ के रीच में है, हाथ में ना मैग्नेटिक पावर आ चुकी है अब, या फोन में कुछ भी बोलो, हाथ खींचा चला जाता है कहाँ पे, फोन की तरफ, जाता है या नहीं जाता? सर बिल्कुल जाता है, 100% जाता है। पढ़ते पढ़ते एक टिंग बजी और फोन गया, आधा घंटा गायब, व्हाट्सएप आया, दोस्तों से बात करी, आधा घंटा गायब, और आपको पता भी नहीं चलता। आपको पता क्या लगता है कि मैं तो सुबह से पढ़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बुक सामने है, बेटा दिमाग में कुछ भी नहीं गया, बात समझ रहे हो राइट? तो अगर कोशिश करो जब भी पढ़ रहे हो, आधा घंटा, एक घंटा, 15 मिनट 20 मिनट फोकस्ड पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है? फोन आपके पास नहीं होना चाहिए। लेट्स से आपको फोन की बहुत गंदी आदत है, सबसे पहले मेजर करो, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले मेजर करो कि आप फोन कितना यूज कर रहे हो। फोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है ये ट्रैक करने के लिए कि आप फोन का यूसेज कहाँ कहाँ कर रहे हो, कितना कितना कर रहे हो। अगर आपको किसी भी चीज़ में इम्प्रूव करना है, सबसे पहले उसको मेजर करना पड़ेगा राइट। आपने जब मेजर कर लिया कि दिन में 10 घंटे फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो बेटा आंखें खुल जाएंगी कि ये 10 घंटे 24 में से 10 घंटे, बेटा बहुत सारे बच्चे हैं जब छुट्टी होती है, सैटरडे संडे होता है, 10 घंटे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने फ़ोन्स देखे हैं, जब मैं उनको ये बता रहा था, मैंने उनके फ़ोन्स देखे हैं, 8 घंटे 9 घंटे ईजिली। मेजॉरिटी टाइम कहाँ पे है? या तो गेम्स खेल रहे हैं या यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, नॉर्मल चीज़ें। बात तो सही है राइट। तो आपको करना क्या है, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे हो मेक श्योर फोन आपके रूम में नहीं है, दूसरे रूम में रख के आओ। सर हम साइलेंट पे रख देते हैं, नहीं, ठीक है, अपने आप को पागल मत बनाओ, ठीक है? साइलेंट पे रख दिया, फिर भी फोन तो आपको अगर जब तक दिखता रहेगा ना, आप फोन को उठाते रहोगे, चेक करते रहोगे। जब साइलेंट पे फोन रखते हो ना, तब ज्यादा दिमाग वहां पे होता है कि यार किसी का मैसेज तो नहीं आया, अरे उसका मैसेज तो नहीं आ गया, अरे मैं लेट तो नहीं हो जाऊंगा रिप्लाई करने में। नहीं प्लीज राइट, अगर आपको सीरियसली पढ़ाई करनी है, एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? फोन आपके पास नहीं होना चाहिए। आप खुद जब अपने फोन का यूसेज ट्रैक करना चालू करोगे, आज 10 घंटे है, अगर कल को 3 घंटे हुआ, 4 घंटे हो गया, धीरे धीरे करके 1 घंटा 2 घंटा हो गया, आपको इतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा। Yes or no? तो फोन का यूसेज मेजर करो, ट्रैक करो कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है? अगर फिर भी नहीं रुका जा रहा, सर इंस्टाग्राम की लत लग गई है, सर नहीं रुका जाता, बेटा डिलीट कर दो, ठीक है? जो भी एप्लीकेशन आप सबसे ज्यादा यूज करते हो उसमें फ्रिक्शन को ऐड करो। फ्रिक्शन मतलब उसको यूज करना इतना मुश्किल कर दो कि आप यूज करो ही ना। जब आप एप्लीकेशन डिलीट कर दोगे तो क्या करोगे, वेब पे चलाओगे, वेब पे चलाने का मजा ही नहीं आता, अरे नहीं आता राइट। तो जो एप्लीकेशन आप सबसे ज्यादा यूज कर रहे हो और खुद को नहीं रोक सकते, डिलीट कर दो अगर आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट, थ्रो योर फोन अवे। नाउ थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट ना बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई काम करने के लिए बैठे हो, ठीक है, जिसमें आपको फोकस चाहिए, कोई भी काम हो, पढ़ाई हो या आपको यूट्यूब पे क्लासेस लेनी है, कुछ भी लेना है, मेक श्योर कि जब आप पढ़ने के लिए बैठे हो, आपके पास टेबल चेयर है, कुछ भी है, बेड पे बैठ रहे हो, जहाँ भी बैठ रहे हो, बट टेबल चेयर डेफिनेटली बेटर होता है, आप टेबल चेयर पे बैठे हो, मेक श्योर जिस सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन करने के लिए बैठे हो आपके पास उसका सारा मटेरियल है। पानी की बोतल आपके पास है, सारी बुक्स आपके पास है, रजिस्टर आपके पास है, पेन आपके पास है, जो भी चीज़ें आपको अगले 2 घंटे के लिए चाहिए, जितने भी आपका सेशन होने वाला है, स्टडी सेशन, उसके लिए चाहिए, वो सब आपके पास है। सर क्यों? लेट्स से कि आपके पास वाटर बॉटल नहीं है, पेन नहीं है, रजिस्टर नहीं है, बार बार उठोगे, बार बार उठने से कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक होता है। एक बार आपने उठा, लेट्स से आपने फोन बहुत दूर रख दिया था, अरे जैसे ही आप उठे सबसे पहले उठ के कहाँ जाओगे, अरे सर एक बार फोन चेक कर लें, अब उठ ही गया तो बस यही नहीं करना।
एक बार जब आप बैठ गए हो ना तो बेटा फिर उसके बाद उठने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए. सो मेक श्योर दैट यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड बिफोर यू सिट डाउन. बात समझ में आ गई? वेरी इंपॉर्टेंट. पहला, फाइंड आउट योर व्हाई, पर्पस, क्यों पढ़ रहा हूं, एंड गोल क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, वो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा. सेकंड, थ्रो योर फोन अवे. सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में वही है, जितना कम उसको यूज करोगे उतना ज्यादा फोकस्ड रहोगे. आज की डेट में मैं बोलता हूं जो फोकस्ड है ना वो सबसे ज्यादा उसका इंपॉर्टेंट वेपन है. ठीक है, आज की डेट में फोकस लोग बहुत कम है, अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम हो चुका है. अगर आप फोकस्ड हो तो डेफिनेटली आप रेस में पहले ही बहुत आगे निकल चुके हो, बहुत आगे निकल चुके हो, क्योंकि फोकस्ड लोग आजकल बहुत कम है भाई, बहुत कम है. तो अगर आप फोकस्ड हो तो आपके पास डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो आपकी लाइफ को डेफिनेटली बेटर कर देगा. तीन पॉइंट्स हो गए, बैठने से पहले सब कुछ आपके पास होना चाहिए. पॉइंट नंबर फोर, यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लान. मतलब लेट्स से आपने ठान लिया कि आज मैं अकाउंट्स पढ़ने वाला हूँ. ठीक है, अकाउंट्स में क्या पढ़ने वाले हो ये तो सोचा ही नहीं. ठीक है, अब 10 मिनट उसको सोचने में लगा रहे हो. सर, पार्टनरशिप, जर्नल, फलाना ढिकाना, कौन सा टॉपिक, नहीं पता, नहीं पता. 10-15 मिनट उसी में निकाल दिए, कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक. अरे उसी में निकाल दिए, क्या पढ़े यार, समझ में नहीं आ रहा, चलो इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं. अरे यार इकोनॉमिक्स तो ठीक है, पेपर किसका, बिजनेस स्टडीज का, वो पढ़ लेते हैं. मैथ समझ में नहीं आ रही, मैथ पढ़ लेते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपके पास प्रॉपर प्लान पहले से होना चाहिए कि अब अगर मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ तो मेरे पास प्रॉपर प्लान है कि मुझे अब क्या करना है. मुझे अकाउंट्स पढ़ने हैं 2 घंटे, ये चैप्टर, ये टॉपिक, दैट्स इट. ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि आपको करना क्या है तो आप करोगे कैसे. ठीक है, आपको उसी टाइम डिसाइड नहीं करना है, पहले से डिसाइड करके रखो. आज इन 2 घंटे में मुझे ये करना है, फिर आगे 2 घंटे में मुझे ये करना है, फिर ये करना है. मुश्किल लग रहा है बेटा, आसान चीज में कुछ नहीं मिलता है. अगर आपको मुश्किल लग रहा है करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, तो प्रॉपर प्लान आपके पास होना चाहिए, टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे आज ये कवर करना है. उससे क्या होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, फिर आपको प्लान के बारे में नहीं सोचना, बस आपको एग्जीक्यूट करना. तो भाई वो जो 2 घंटे आप बैठ रहे हो, इन शॉर्ट उसको आपको प्रॉपर यूटिलाइज करना है सिर्फ पढ़ने में. ना तो आपको ये सोचना है कि यार मैं क्या पढ़ूं, ना आपको किसी और चीज़ के लिए उठना है, फोन आपके पास नहीं होना चाहिए, नहीं. बात समझ रहे हो, उन 2 घंटे का जो सेशन होगा, मैं 2 घंटे बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि लेट्स से कि आपको एक 2 घंटे का सेशन रखना है, राइट, कि मैं 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ने वाला हूँ, तो उन 2 घंटे में आपको प्रॉपर अकाउंट्स पढ़नी है. क्या मेरी बात समझ में आ गई? पॉइंट नंबर 5, अरे सर हमने फोन रख दिया. ठीक है सर, हम मोटिवेटेड हैं, बिल्कुल मोटिवेटेड हैं, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है. सर हम पढ़ने लगे और खो गए. अरे खो गए सर, सपनों में खो गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, डे ड्रीमिंग. मैं गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत कम बच्चे होंगे जो ये चीज़ फील नहीं करते हैं. ठीक है, कि अगर मैं बैठा हुआ हूँ, बैठे बैठे मैं अगले ही दुनिया में, अलग ही दुनिया में पहुँच चुका हूँ. कि लेट्स से कि आप सोच रहे हो कि यार 12th में मेरा बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, या आप सोच रहे हो कि मेरा बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, या आप सोच रहे हो कि हम CA बन गए हैं, CA बनने की डिग्री आपको मिल रही है. अरे उसी में खो जाते हैं सर. अरे बहुत सुंदर दुनिया, वही के हम मेन कैरेक्टर होते हैं, मज़ा आ रहा होता है सर. ध्यान से मेरी बात सुनो. ठीक है, अब फोन आपके पास नहीं है, लेकिन ये आपने एक नई डिस्ट्रैक्शन जो ले ली है, दैट इज डे ड्रीमिंग. अब इसका क्या करेंगे सर, ध्यान से मेरी बात सुनो. जब भी आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, जब भी सोच रहे हो उसी टाइम रुको और उसको लिखो. सर क्या बात कर रहे हो, 100% मेरे साथ भी होता था. क्या बात कर रहा हूँ, जब मैं CA फाइनल में था, CA इंटरमीडिएट में था, कई बार ऐसा होता था कि पढ़ते पढ़ते मैं अलग ही दुनिया में पहुंच गया हूँ. कि मेरा इंटरमीडिएट क्लियर हो गया है, मेरे फाइनल के बहुत ग्रुप्स आ गए हैं, मेरी रैंक आ गई है, मैं CA बन गया हूँ, मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी है. अरे बहुत कुछ होता है, क्या बात कर रहे हो, नहीं होता. बहुत अलग अलग सपने, बहुत सुंदर सपने आते हैं सर, नहीं देखने. ठीक है, अभी नहीं देखने. जब आप काम कर रहे हो ना तो उस पर फोकस रहना. ऐसे कर करके आधा घंटा पौना घंटा कहाँ निकल जाता है पता नहीं, अपनी ही स्टोरी चल रही होती है. रुक जाओ, जब भी आप सोच रहे हो, जब भी आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, रुको. एक रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, लिखना चालू करो कि मैं क्या सोच रहा था. क्या होता है, जब आप लिखना चालू कर देते हो वहीं पे आपके थॉट्स खत्म हो जाते हैं, वहीं पे थॉट्स एंड बैक टू वर्क. इसका मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि कब आप दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हो. जब आप दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हो उसी टाइम आपको रुकना है एंड राइट डाउन. धीरे धीरे ये दूसरी दुनिया के ख्याल आना बंद हो जाएंगे जब उसको लिखना चालू कर दोगे. क्योंकि जब आप लिखना चालू करते हो तो आप सोचते हो और दिमाग में तब कुछ नहीं आता. समझ रहे हो? ठीक है, स्टार्ट राइटिंग इट डाउन. जब भी आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो स्टार्ट राइटिंग इट डाउन. नाउ द बोनस टिप, आज जो मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ जो आज के टाइम के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है और कोई आपको बताता नहीं है. ठीक है, शायद आपने इनमें से बहुत सारी चीजें सुनी होंगी कि भाई फोन को रख दो, मेक अ प्रॉपर प्लान, ये सब चीजें. ठीक है,
अब मेरी बात सुनो, इन सब के बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं प्रॉपर फोकस्ड नहीं हूँ, एक चीज़ जो आपको करनी है, आपके पास एक टाइमर होना चाहिए। फ़ोन में स्टॉप वॉच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फ़ोन दूर दूर तक नहीं, मे बी आपके पास एक वॉच है जिसमें टाइमर है, कुछ भी एक टाइमर अगर नहीं है तो ले लो। क्या करना है आपको उस टाइमर में, आपको क्या करना है, जैसे ही आप पढ़ने बैठे हो स्टार्ट द टाइमर, ठीक है, और रख दिया, ऑल राइट। जब भी आप बीच में कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हुए, पता चल जाएगा डिस्ट्रैक्ट हुए, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हुए या बाहर चले गए, कुछ भी, मेक श्योर उस टाइमर को क्लोज करने की। क्यों? जैसे मैंने आपको बोला, किसी भी चीज में इंप्रूव करना है ना आपको, स्टार्ट मेजरिंग इट डाउन। जब आप उसको मेजर करते हो, जब आपको पता होता है कि अच्छा मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी, क्योंकि आप अपने ही दुनिया में गायब होते हो कि मैंने 10 घंटे पढ़ाई करी है, स्टार्ट मेजरिंग इट डाउन कि आपने एक्चुअली में पढ़ाई कितनी करी है। जब भी आप पढ़ने बैठे हो स्टार्ट द टाइमर, ठीक है, जब भी डिस्ट्रैक्ट हुए स्टॉप द टाइमर, दोबारा पढ़ने बैठे स्टार्ट द टाइमर, आपको पता चल जाएगा कि 2 घंटे में आपने कितनी पढ़ाई करी है, 1.5 घंटा 1 घंटा। जब आप उसको मेजर करना चालू कर दोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी आपको पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि आप मेजर नहीं करते। आपको ये मिसकंसेप्शन है कि आप पूरा दिन पढ़ रहे हो, नहीं, प्रोडक्टिव स्टडी कितनी कर रहे हो आपको पता है? नहीं पता। स्टार्ट मेजरिंग, ठीक है, टाइमर रखो, स्टार्ट किया टाइमर, जैसे डिस्ट्रैक्ट हुआ बंद किया, फिर दोबारा स्टार्ट किया, ठीक है। ऐसे करते करते आपको समझ में आ जाएगा, जब जिस दिन 2 घंटे की स्टडी में 2 घंटे का टाइमर ऑन होगा ना, उस दिन आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये टेक्निक बहुत यूजफुल थी, ठीक है। जब 2 घंटे आपने पढ़ाई करी और टाइमर 2 घंटे तक नहीं रुका, वो है आपका क्या गोल, यही होना चाहिए। समझ लेना कि अब मैं फोकस्ड हो गया हूँ, अब कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, और ये मैंने किसी किताबों में से आपको नहीं बोली है, खुद अप्लाई करी है। एक एक चीज़ जो मैंने आपको बोली है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोली है, और ये टाइमर वाला गेम चेंजिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो भाई फोकस होना बहुत ज़रूरी है, राइट। दिन में 24 ही घंटे हैं दोस्त, ठीक है, उसमें से 1/3 8 घंटे तो सोने में निकाल देते हो, बाकी के 16 घंटे में जो आपको काम करना है, अगर वो भी आप प्रॉपरली नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत पीछे रह जाओगे। आप कोई भी काम कर रहे हो, मैं सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको गिटार सीखना है, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, गाना है, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, और नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई भी, आज की डेट में अगर मैं अपनी भी बात करता हूँ, ठीक है, मैं भी जब डिस्ट्रैक्ट हुआ करता था तभी मैंने अब क्या किया, अब फोन मैं अपने पास नहीं रखता। अगर मैं वीडियो को एडिट करता हूँ, फोन मेरे पास नहीं होता क्योंकि उसमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। और आज की डेट में फोन अगर आपके आसपास है, आपको खुद को रोक ही नहीं सकते हो, रोक ही नहीं सकते हो, ये आदत हो गई है। तो खुद को बेवकूफ मत बनाओ कि भाई मैं फोन को नहीं देखूंगा, मैंने फोन साइड में रख दिया, नहीं। अगर फोन वाला भी आपने अप्लाई कर दिया कि फोन आपसे बहुत दूर है, तब भी आप देखोगे कितना चेंज आ जाएगा आपके रूटीन में, राइट। जो भी काम आपको करना है उसको हैबिट बना लो, हैबिट बना लो, जब हैबिट बन जाएगी ना, फिर आपको कोई भी चीज रोक नहीं सकती है। आई होप आपको ये जितने भी मैंने चीज़ें बताई है डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। एक बार अप्लाई करो, 20 दिन 25 दिन 1 महीने के लिए अप्लाई करके तो देखो, अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो बताना, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है मेक श्योर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, उनको बहुत हेल्प होगी। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, कुछ भी अगर आपको पूछना है या आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊँ, कमेंट सेक्शन प्लीज़ लिखिए कुछ ना कुछ, एंड गिव इट अ थम्स अप अगर आपको वीडियो पसंद आई है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।